चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू। ठीक है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या होता है, कैसे काम करता है, किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, किस स्पीड में काम करता है, इस पूरी टेक्नोलॉजी को हम लोग ओवरव्यू देखने वाले हैं। तो चलिए पहले तो हम लोग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को यहां से लिखते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी बेसिकली किस टाइप की टेक्नोलॉजी है, तो आप इसको बिल्कुल वायरलेस टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। किस पे बेस्ड है वायरलेस टेक्नोलॉजी, तो पिछला भी था, ये किस पे बेस्ड है, ये मोबाइल कंप्यूटिंग पे बेस्ड है। मोबाइल की जो कंप्यूटिंग होती है वो उस पे बेस्ड है, मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, इस पे ये बेस्ड है। ओके, ये एक आप वायरलेस टेक्नोलॉजी है, और कैसा वायरलेस है, ये बिल्कुल ओपन वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसका क्यों काम आता है, इसको सेंड और रिसीव करने के लिए ये बेसिकली काम आता है। मतलब कभी भी हम लोगों को मोबाइल्स में या कोई भी ऐसे मोबाइल डिवाइस है उसमें हम लोग जब कोई चीज को सेंड या रिसीव करना रहता है तब अपन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को लेते हैं। ठीक, इसके बारे में अगर अपन देखें कि ये ऐसी कौन सी संस्था है जो इसको स्टैंडर्ड प्रोवाइड की है, तो ये भी IEEE ही है। IEEE एक ऐसी संस्था है जो सबको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है अपने 802 के स्टैंडर्ड से। तो 802.15, मतलब अगर आप आम भाषा में बोलें IEEE 802.15 या फिर ब्लूटूथ बोलें तो वो सेम चीज कहलाती है। पहली बात तो इसमें कौन सी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो इस्तेमाल होती है, तो इसमें आपका इसको वाइट कर लेता हूं, इसमें आपका 2.4, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, 2.402 GHz से ये फ्रीक्वेंसी रेंज 2.485 लगभग। ठीक है, ब्लूटूथ जो होता है वो इस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। आपको मैंने बताया था ना 2.4 GHz वायरलेस टेक्नोलॉजी में, 2.4 GHz साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड ऐसा है जो बहुत अच्छा है वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए। तो इसमें से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज 2.402 से लेके 2.485 GHz को ब्लूटूथ के लिए रखा गया है। मतलब इस फ्रीक्वेंसी रेंज में ब्लूटूथ ट्रांसमिशन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, जब इसको इस टेक्नोलॉजी को बनाया कौन, तो बेसिकली यह मैनेज कौन करता है इस टेक्नोलॉजी में, या फिर आज भी IEEE तो एक बार बना के छोड़ दिया, लेकिन आज भी लगभग 3,000 ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो एक मेन यूनिट के अंडर में आते हैं, जो इस पूरे टेक्नोलॉजी को वो करते हैं, स्टैंडर्ड करते हैं। मतलब आज जैसे मान लीजिए एक नया ब्लूटूथ हेडफोन आया या फिर कुछ नया ब्लूटूथ डिवाइस आ रहा है, तो वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम कर रहा है कि नहीं, उसको वो सही स्टैंडर्ड का डिवाइस है कि नहीं, उसको स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए कुछ संस्था है। तो 1997 के आसपास ही लगभग आपका 5 ऐसी कंपनियां थी जो मिल के एक ग्रुप बनाई जिसका नाम था स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप को याद रखिएगा क्योंकि आज के डेट पे भी जितनी भी दुनिया में ब्लूटूथ के टेक्नोलॉजी के डिवाइस होते हैं वो इस संस्था से ही स्टैंडर्ड लेते हैं। जैसे ISO का स्टैंडर्ड होता है, बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं ना, वैसे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में जो स्टैंडर्ड लिया जाता है वो इस ग्रुप के माध्यम से लिया जाता है। अब ये 5 कंपनी मिल के एक ग्रुप बनाई थी, ये 5 कंपनी कौन सी हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें से एक कंपनी का नाम है, आपने सुना होगा, एरिक्सन। ये बीच में सोनी के साथ टाई अप करके सोनी एरिक्सन का मोबाइल बनाती थी। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा इंटेल। आपने एक और कंपनी का नाम सुना होगा जो है IBM। आपने नोकिया कंपनी का भी नाम सुना होगा, और एक कंपनी और टोशिबा। तो ये 5 ऐसी कंपनियां हैं जो मिल के 1997 के आसपास ये सोचे कि हम लोग को एक बहुत पास का एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाना है वायरलेस में ही, जो मतलब वाईफाई के से ज्यादा अच्छा हो, या वाईफाई के जो डिसएडवांटेज है उनको दूर कर पाए। तो उन्होंने ये ग्रुप बनाया और ग्रुप में उन्होंने ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी लेके आया, और इसीलिए बाय डिफॉल्ट अब भी सारा जो स्टैंडर्ड देने का काम, मैनेज करने का काम SIG ग्रुप ही करता है। अब आगे आते हैं, और आगे में हम लोग ये देखते हैं कि क्या इसकी जो रेंज है वो रेंज कितनी है बेसिकली। तो
तो जो ब्लूटूथ की जो रेंज है वो होती है लगभग लेस देन 10 मीटर्स। ये नॉर्मल ब्लूटूथ की रेंज है ना, 10 मीटर से कम की रेंज होती है। लेकिन ब्लूटूथ के भी अलग अलग वर्जन आते गए। आज जो ब्लूटूथ का वर्जन चल रहा है वो ब्लूटूथ का वर्जन चल रहा है वर्जन 5, और वो भी 5 में भी अब 1 आ गया और 2 भी आ गया, तो वर्जन 5.2 आ चुका है ब्लूटूथ का। इसमें जो रेंज है वो लगभग आप देख सकते हैं 440 से लेके 400 मीटर तक आप ब्लूटूथ का ट्रांसमिशन किया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा ब्लूटूथ के रेंज को। और आपका ये स्पीड कितना जा सकता है, तो ब्लूटूथ में जो स्पीड होता है वो वाईफाई की तुलना में कम होता है, लेकिन लगभग आपका 1 Mbps तक ही ये जा सकता है। ठीक है, तो 1 Mbps जो स्पीड है वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में अपन ले सकते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, तो इसका एप्लीकेशन तो आपको पता ही होगा कि ये हर वो जगह यूज होता है जहां आजकल आप यूज करते हैं, मतलब अपने हेडफोन वगैरह में आप इसको यूज करते ही होंगे। ठीक है, आप अपने स्पीकर्स में यूज करते होंगे, कीबोर्ड ब्लूटूथ आ चुका है, माउस आ चुका है, बहुत सारे हैं। डेटा ट्रांसफर होता है, अपन डेटा ट्रांसफर के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस हो चुके हैं जो आप ब्लूटूथ में यूज करते हैं। अब आगे आते हैं, और अब हम लोग इसका मेन चीज देखना चाहते हैं कि क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो हाँ, इसमें प्रॉब्लम तो है बिल्कुल। सबसे पहली बात कि ये जो बैंडविड्थ लेता है वो बड़ा कम लेता है, इसका जो बैंडविड्थ है वो छोटा है, तो कम ही डेटा एक साथ जा सकता है, इसीलिए इसका जो वो है 1 Mbps तक ही जा पा रहा है, इसीलिए इसका जो। और दूसरी बात, इसका जो रेंज है वो भी बहुत कम रहता है, मतलब ब्लूटूथ ट्रांसमिशन का जो रेंज है वो अब तो बढ़ गया है, अब तो लगभग फिर भी 400 मीटर तक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कम ही है मान के चलिए। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे, वो है इसका आर्किटेक्चर। जैसे हम लोगों ने वाईफाई का आर्किटेक्चर देखा था कि दो टाइप के होते हैं, वैसे ही ब्लूटूथ भी जो आर्किटेक्चर है वो दो टाइप का आर्किटेक्चर होता है। एक कहलाता है पिकोनेट और एक कहलाता है स्कैटरनेट। ठीक, पिकोनेट और स्कैटरनेट, ये ध्यान रखिएगा, पिकोनेट और स्कैटरनेट दो टाइप का आर्किटेक्चर होता है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इन जनरल अगर कोई बोलेगा कि ब्लूटूथ का आर्किटेक्चर क्या होता है तो आप पिकोनेट मानिएगा, लेकिन पिकोनेट का एक एक्सटेंडेड फॉर्म स्कैटरनेट भी होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें बेसिकली ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है या आर्किटेक्चर कैसे होता है, इसमें मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट होता है। मास्टर स्लेव हिंदी में कहते हैं, मास्टर तो मास्टर है, स्लेव मतलब जो नौकर होता है, तो मालिक और नौकर का जो वो है मतलब रिलेशन होता है, वैसा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी करता है। ठीक है, इसमें जो भी नोड सेंडर होता है वो कहलाता है मास्टर, मतलब कभी भी जब दो डिवाइस आपस में कनेक्टेड हैं और वो ब्लूटूथ ट्रांसमिशन करना चाह रहे हैं, तो जो सेंडर होगा वो कहलाएगा मास्टर और जो रिसीवर होगा वो कहलाएगा स्लेव। हमेशा ब्लूटूथ आर्किटेक्चर यही होता है, मास्टर और स्लेव। ठीक, ओके, अब हम लोग आगे आते हैं। और इसमें बेसिकली जब सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, तो आप वही है, देखिए वाईफाई हो या ब्लूटूथ हो, वाईफाई या ब्लूटूथ में बेसिकली देखिए एक दोनों के बीच में एक जैसे सेंडर है और रिसीवर है, इन दोनों के बीच में एक चैनल बन जाता है। चैनल आप आम भाषा में समझिए रोड। रोड को ऐसे क्या कर सकते हैं अपन, छोटे 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 वो बना सकते हैं, 4 लेन 8 लेन, मतलब जितने भी छोटे छोटे सब चैनल्स में अपन बांट दें उतना डेटा एक साथ भेजा जा सकता है। इसीलिए ज्यादा वाइड बैंडविड्थ होने से हम लोगों को डेटा रेट बहुत बढ़ जाता है, हम ज्यादा डेटा एक साथ भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बैंडविड्थ कम है तो कम भेज पा रहे थे, उसकी खैर उसकी दिक्कत नहीं है। ओके, इसमें अगर आप ध्यान मतलब अगर आपको याद रहेगा तो आप ये भी याद रखेगा कि इसमें जो टेक्निक यूज होता है वो फ्रीक्वेंसी होपिंग टेक्निक यूज होता है, लेकिन अगर याद रहे तो, अदरवाइज आपको नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे आते हैं, और अगर किसी को समझना होगा तो क्लास के बाद या कभी मेरे को पूछ लेना फ्रीक्वेंसी होपिंग क्या होता है। जो वाईफाई होता है वो डीएसएस पे काम करता है, डायरेक्ट स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक पे, लेकिन ये अभी आप लोगों का समझने लायक नहीं है तो इसको अभी छोड़ दीजिए।
इसके बाद हम लोग आगे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि चलिए एक आर्किटेक्चर, पीकोनेट आर्किटेक्चर को हम लोग थोड़ा सा अंदर से देखते हैं कि पीकोनेट आर्किटेक्चर में होता क्या है एक्चुअली। तो देखिए पीकोनेट आर्किटेक्चर में एक मास्टर होता है और एक मास्टर मैक्सिमम 7 स्लेव के साथ कनेक्ट हो सकता है। मतलब 7, एक स्लेव हो गया मान लीजिए, एक स्लेव हो गया कितना हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ठीक। तो कोई भी मास्टर 7 स्लेव के साथ मैक्सिमम कनेक्शन हो सकता है ठीक। अब ये स्लेव बेसिकली आप लोगों को जैसे मैं बताया कि ये रिसीवर्स होते हैं, जो मास्टर मतलब जो सेंडर है और ये स्लेव मतलब रिसीवर ठीक है। तो यहां पे आप याद रखिएगा कि कोई भी पीकोनेट का स्ट्रक्चर होगा उसमें मैक्सिमम नोड्स कितने हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर एक नोड तो खुद मास्टर है और 7 अलग अलग स्लेव्स हैं, तो टोटल नोड्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे 8 ठीक है। मतलब नोड्स मतलब समझ रहे हैं, डिवाइस, तो डिवाइस कितने हो सकते हैं, एक तो मास्टर खुद है और 7 तो स्लेव है। तो कोई भी पीकोनेट आर्किटेक्चर में, कोई भी ब्लूटूथ आर्किटेक्चर में कितने नोड्स हो सकते हैं मैक्सिमम, तो 8 ही पॉसिबल हो सकते हैं। अब अगर आपको बोलेगा कि कितने डिवाइस पेयर हो सकते हैं, कोई भी डिवाइस में कितने डिवाइस पेयर हो सकते हैं, पेयर मतलब समझते हैं ना, पेयर का मतलब ये होता है कि कभी आपके डिवाइस से वो कनेक्टेड था और अब नहीं है, लेकिन उसका नाम शो करते रहते हैं। आप कभी ब्लूटूथ को ऑन करेंगे अपना तो आपको बहुत सारे डिवाइस का नाम दिखाएगा जिससे आप पहले भी कभी कनेक्टेड थे ठीक है। तो वो सब क्या होते हैं, पेयर्ड डिवाइस होते हैं, पेयर्ड डिवाइस। तो पेयर्ड डिवाइस कितने हो सकते हैं, तो अगर 8 मैक्सिमम नोड्स हैं तो इसका आएगा 2^8-1, इसका मतलब होता है 255। मतलब कोई भी एक डिवाइस है, अगर आप नया मोबाइल खरीद के ला रहे हैं, पुराना मोबाइल है आपका, तो पुराने मोबाइल में आप जो लिस्ट देखेंगे कि कितने डिवाइस के साथ मैं पहले कनेक्टेड हो चुका हूं, क्योंकि वो डिवाइस के साथ आप पहले कनेक्शन हो चुका है ना, तो अगर वो डिवाइस आपके पास आया तो वो अपने आप कनेक्शन बिठा लेगा, उसको बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये क्लिक करो या एक्सेप्ट करो वगैरह वगैरह। दैट इज कॉल्ड पेयर डिवाइस, मतलब वो पहले से एक बार पेयर हो चुके हैं, आपने उनके साथ पेयर कर चुका है, तो वो पेयर डिवाइस हो सकते हैं। तो कोई भी डिवाइस के लिए मैक्सिमम पेयर डिवाइस कितने हो सकते हैं, 2^8, जितने भी नोड्स होंगे उस माइनस वन, तो 255 मैक्सिमम पेयर डिवाइस हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम लोग को देखना, इसमें देखिए कुछ टर्म्स को आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि मास्टर कौन होता है, स्लेव कौन होता है और पेयर्ड डिवाइस कौन होते हैं। अभी तीन नाम तो आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे, जो सेंडर है वो मास्टर, जो रिसीवर है वो स्लेव, और जो कभी ना कभी आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट हुए थे या एक बार आपने कनेक्शन कर चुका है वो पेयर डिवाइस कहलाते हैं। अब आपको आता है कितने डिवाइस स्टैंड बाई होते हैं। स्टैंड बाई का मतलब होता है कि जो आपके डिवाइस के आसपास हैं ठीक है, जो आपके डिवाइस के आसपास है और वो बिल्कुल तैयार है आपसे कनेक्शन करने के लिए ठीक है, आपसे कनेक्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार है, दैट इज कॉल्ड स्टैंड बाई डिवाइसेस ठीक। तो स्टैंड बाई डिवाइसेस कई बार होता है कि हमारा ब्लूटूथ चालू होता है और बहुत सारे लोगों का भी ब्लूटूथ चालू होता है, तो लेकिन उनके साथ आपने कभी पेयरिंग नहीं करी रखी होती है, तो वो कहलाते हैं स्टैंड बाई डिवाइसेस ठीक है। और एक डिवाइस होता है पार्क डिवाइसेस। पार्क का मतलब ये होता है कि बस बहुत सारे आपके आसपास हैं वो पार्क हैं, वो तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए, अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, स्ट्रक्चर से आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि एक मास्टर है। अब मैं पूरा एक पीकोनेट का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ठीक है, ये है आपका पीकोनेट का आर्किटेक्चर जिसमें एक मास्टर होगा और मास्टर के साथ होंगे 7 मैक्सिमम स्लेव हो सकते हैं। मतलब एक जो ब्लूटूथ वाला है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आगे हम लोग ये देख रहे थे कि जो एक आर्किटेक्चर हम लोगों ने बनाया था जिसमें हम लोगों ने एक मास्टर लिया और बहुत सारे 7 स्लेव रखे,
इसके साथ में क्या हुआ कि हमारे पास कुछ स्टैंड बाई डिवाइस आ गए जो स्टैंड बाई रेडी हैं और अगर मास्टर ने चाहा तो मास्टर स्टैंड बाई को स्लेव बना सकता है, वो मास्टर के ऊपर है। और इसी में ऐसे डिवाइस होते हैं जैसे हमारा एक मोबाइल है, मोबाइल के आसपास तो लाखों लोग हैं। मतलब मान लीजिए राजकिशोर नगर में हूँ तो राजकिशोर नगर में, बिलासपुर या बिलासपुर में शहर में हूँ तो बिलासपुर शहर में इतने सारे लोग हैं मेरे आसपास, तो सबके पास तो एक अपना ब्लूटूथ डिवाइस है, भले ऑन ना हो लेकिन है तो वो ब्लूटूथ डिवाइस। तो पार्क का मतलब ये होता है कि कितने डिवाइस मेरे आसपास हैं ब्लूटूथ वाले डिवाइस। तो अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ डिवाइस जो पार्क हो सकते हैं तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट, उसकी तो कोई संख्या अपन को पता ही नहीं है। तो नंबर ऑफ डिवाइस जो पार्क हो सकते हैं वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब आपको मैं आगे बोलता हूं और मैं हम लोग ये देखते हैं कि देखिए एक डेटा ट्रांसमिशन किसके किसके बीच में हो सकता है। तो हमेशा डेटा जो ट्रांसमिशन है वो सिर्फ मास्टर और स्लेव के बीच में ही हो सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि स्लेव और स्लेव के बीच में कभी ट्रांसमिशन हो सके, ये कभी नहीं हो सकता। हमेशा डेटा का ट्रांसमिशन मास्टर और स्लेव के बीच में ही होगा, पहला रूल तो यही कहता है। ठीक है, और अगर आपका मास्टर और स्लेव के बीच में कनेक्शन टूट गया तो आपका पूरा पिकोनेट ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मास्टर की तो मेन इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मुद्दा ये आ रहा था कि क्या हम इस टेक्नोलॉजी को और बढ़ा सकते हैं, इसका रेंज बढ़ा सकते हैं। तो फिर एक बात आई कि लेट सपोज कि मैं एक पीकोनेट बनाता हूं। ठीक है, एक पीकोनेट स्ट्रक्चर बनाया जिसमें एक मास्टर है और हमारे बहुत सारे स्लेव हैं। ठीक है, 3, 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, 7, मैक्सिमम 7 स्लेव हो सकते हैं। तो 7 स्लेव हमारे एक साथ, एक मास्टर मैक्सिमम 7 स्लेव के साथ कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, लेट सपोज कि उसके पास कुछ स्टैंड बाई डिवाइस भी हैं जो कनेक्ट होना चाहते हैं लेकिन अभी हो नहीं पा रहे हैं, और कुछ पार्क तो है ही, पार्किंग में तो इतने सारे पड़े ही रहते हैं, कोई भी आ जाए। अब ये क्या करेंगे बेसिकली, ये मास्टर क्या कर रहे हैं, ये इस स्लेव को थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ, ये स्लेव को मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये थोड़ा दूर पे है ये स्लेव। अब मैं ये चाह रहा हूं कि क्यों ना मास्टर से जो डेटा आ रहा है स्लेव तक, ये स्लेव भी किसी को ट्रांसमिट कर सके। लेकिन स्लेव क्या है, एक पीकोनेट के अंदर में स्लेव दूसरे स्लेव को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि एक और पीकोनेट बना रहा हूं, एक और पीकोनेट स्ट्रक्चर बना रहा हूं, और यहां पे बहुत सारे डिवाइसेस मान लीजिए हैं और ये इस स्लेव के साथ कनेक्टेड है। अब क्या कर सकता है, ये स्लेव इस डिवाइसेस को डेटा भेज सकता है। मतलब इस मान लीजिए ये पिकोनेट ए है, ये पिकोनेट बी है, तो पिकोनेट ए के लिए जो ये मान लीजिए ये S1 था, तो S1 ए पिकोनेट के लिए स्लेव है, ये नौकर है, लेकिन ये नौकर किसी का मालिक भी तो बन सकता है भाई। तो बी पिकोनेट के लिए ये मालिक है और ये मास्टर बन के डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को स्कैटर नेट कहते हैं। तो पीकोनेट और स्कैटर नेट में आप अंतर कर पा रहे होंगे, पीकोनेट एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें मास्टर और स्लेव ही होते हैं, जिसमें डेटा मास्टर और स्लेव के बीच में जाएगा। लेकिन स्कैटर नेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीकोनेट होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ पीकोनेट कहते हैं, जिसमें एक स्लेव, एक पीकोनेट का स्लेव दूसरे पीकोनेट का मास्टर होता है। ठीक है, ये आपका इससे क्या होता है कि हमारा जो देखिए यहाँ का जो मैसेज था वो आगे पहुंच गया। तो इससे हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंशन लेते हैं एक पिकोनेट में, और ये जो बीच वाला जो ये स्लेव है इसको कहते हैं ब्रिज स्लेव, ये ब्रिज का काम कर रहा है तो ये ब्रिज स्लेव कहलाता है। तो ये आपका ओवरऑल जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का जो आर्किटेक्चर था वो यही था, यही बेसिकली है। आपको मैंने इसका एडवांटेज भी बताया कि ब्लूटूथ के क्या क्या एडवांटेज हैं, बढ़िया सिंपल इसके एडवांटेज के फॉर्म में आपको मैं बताता हूँ, मान लीजिए कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। तो देखिए ये बेसिकली एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, आपको पता है। हाँ बिल्कुल, ये वायरलेस है, वायर नहीं यूज होता है इसमें। आप बोलेंगे कि ये तो बहुत आसान है एक पिकोनेट बनाना, मतलब पिकोनेट बनाना इतना आसान है कि बस एक बटन दबाए और जितने लोग हैं आपस में जिससे कनेक्ट होना है अपन कनेक्ट हो गए। बिल्कुल, पिकोनेट सिंपल होता है बनाने के लिए। ये इसके जो डिवाइस होते हैं बड़े सस्ते मिलते हैं, मतलब वाईफाई इक्विपमेंट के कंपैरिजन में अगर आप इसके डिवाइस देखें तो ये बहुत चीप कॉस्ट में मिलेगा।
ठीक है, और इस जो एनर्जी कंजम्पशन है इसमें आपकी लो होती है। मैं आपको वाईफाई में भी बताया, वाईफाई में जो एनर्जी मतलब अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल में वाईफाई भी चालू करें और ब्लूटूथ चालू करें, तो वाईफाई आपकी ज्यादा बैटरी खा जाएगा एज कंपेयर टू ब्लूटूथ। ब्लूटूथ आपकी एनर्जी कंजम्पशन कम होती है, ठीक, लेकिन इसमें नुकसान भी है, बैंडविड्थ बड़ा कम है इसलिए इसका जो डेटा रेट है वो बड़ा कम रहता है। ठीक है, ओके। और फिर मैं आपको इसका एप्लीकेशन भी बताया था कि कहाँ कहाँ यूज होता है, तो आप दुनिया भर के जितने भी आजकल जो डिवाइस हो रहे हैं वो ब्लूटूथ डिवाइस होते हैं और सब यूज हो जाता है। मैंने आपको इसका रेंज बताया, जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ब्लूटूथ 5.0 या 5.2, वो भी आपको उसके बारे में जिक्र किया, इसके स्टैंडर्ड, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज वगैरह वगैरह, सारा चीज इस टेक्नोलॉजी को कवर अप करता है। तो ये पूरा आप लोगों को उम्मीद है क्लियर हुआ होगा।